अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी रेसिपी और जो कम मेहनत में बनती है, क्योंकि इस रेसिपी में मैंने अदरक लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है और लेकिन उसके बाद भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मटन और ये है मेरे पास हरी मिर्च। अब मिर्ची आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये हरा धनिया है, खूब सारा हरा धनिया, 2 गठिया थी उसको मैंने धो लिया है, तो हरे धनिए का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर में मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच तेल का, ये सरसों का तेल है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरे का, 2 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता और डाल देंगे ये गोश्त। ये गोश्त अच्छे से भून चुका है, जो हरे धनिए और हरी मिर्चों का हमने दिखाया था उसका पेस्ट बना लिया है, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। आप कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और डाल देंगे इसमें नमक, इसे मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब इसको भूना नहीं है, अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। देखिए, अब इसे धीमी आंच पे भून लेंगे। कुकर में 3 सीटियाँ आई थी, फिर मैंने कुकर खोल दिया। अब इसे भी भून लेंगे और ये बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए, रेडी है हमारा, बस 2 चीज़ों से बनने वाला इतना अच्छा खाना। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।